मुखर्जी के बारे में सुनकर कैसा, पहली बार क्या क्या रिएक्शन किया आपके दिमाग में? आरएसएस मुख्यालय पे जा रहे आप, उनके साथ में आपको क्या, पहला आपने जब सुना तो आपको क्या लगा? प्रणव मुखर्जी किस लक्ष्य से वहाँ जा रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय प्रणव मुखर्जी को ही पता है। आपका क्या है? देश के अंदर हम लोग कई दफ़े जेलों में भी जाते हैं, जेलों में जाते हैं, वो गलत कृत्य करने वालों के बीच में भी जाते हैं। हमारी मंशा ये रहती है कि वो गलतियाँ उन्होंने की उसका एहसास करें और वो परिवर्तन करें। उनका उनका मकसद क्या है वो स्वयं प्रणव मुखर्जी जी को ही पता है। बहुत काबिल व्यक्ति है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ देश हित के लिए वो कुछ ना कोई मकसद लेकर ही जा रहे हैं। हम सिर्फ देश में नहीं, दुनिया के अंदर भी हम लोग जाते हैं, दुनिया में भी हमारा ये मकसद रहता है कि हम कुछ ना कुछ सुधार करें। गलत से गलत लोगों के बीच में भी जाते हैं, उनको समझाइश करने के लिए जाते हैं, उनको सही रास्ते पर। नहीं, अच्छा बुरा लगने का सवाल ही नहीं है, वो किस लगे किस मकसद से जा रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। काफी कांग्रेसी से खफा है, आप खफा है या? मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे से पूछो ना, व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ वो किस मकसद से जा रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो मैं जरूर उनसे ये पूछूंगा कि आप किस मकसद से जा रहे हो। अगर आरएसएस गलत रास्ते के ऊपर है और प्रणव मुखर्जी जी का वहाँ जाकर उन आरएसएस सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मंगाकर और राष्ट्रीय हित के लिए सही रास्ते पर जाने का अगर प्रयास है तो बहुत अच्छा राष्ट्रीय के लिए है, नहीं घर वास के लिए, राष्ट्रीय हित वापसी का जो है। अब वो राष्ट्रीय हित के खिलाफ कार्य कर रही है और वो राष्ट्रीय हित की तरफ अगर आरएसएस आई। थर्ड फ्रंट की बात की जाए राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के त्रेलिया में बीकानेर नागौर सीकर हर जगह हनुमान देवीवाल की किरोड़ी में मीणा उनका साथ छोड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, और अब क्या लगता है आपको थर्ड फ्रंट की कोई? देखो थर्ड फ्रंट का अधिकार सबको है, निर्दलीय का सबको है। जसवंत सिंह जी ने थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ा, जिनको सहयोग करना था सहयोग किया, जिनको सहयोग नहीं करना था सहयोग नहीं किया। कई लोग प्रत्यक्ष तौर के ऊपर अपनी पार्टी छोड़कर भी आई, उदाहरण के तौर पर स्वरूप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्देवार नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उस मकसद के लिए जसवंत सिंह जी के साथ थे। जसवंत सिंह जी का जब चुनाव लड़ना, उनका खुद का सुपुत्रों ने ही पार्टी नहीं छोड़ी और उनको लगा कि नहीं, मेरे पिता से ज़्यादा मेरा पार्टी के अंदर राजनीतिक जीवन जरूरी है, तो वह मानवेंद्र सिंह जी का निर्णय था, स्वरूप सिंह जी का निर्णय अलग, मानवेंद्र सिंह जी का निर्णय अलग। तो हर किसी को अधिकार है, कोई भी थर्ड फ्रंट लेकर लोगों के बीच में जा सकता है, कोई भी थर्ड फ्रंट के अंदर सहयोग कर सकता है, प्रत्यक्ष तौर पर भी सहयोग कर सकता है। असर क्या होगा थर्ड फ्रंट का? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दो परंपरागत पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता के चुनाव लड़ती है, तो अगर थर्ड फ्रंट इसमें ये आता है कि आप कांग्रेस बीजेपी दोनों को मत चुनिए, मुझे चुनिए क्योंकि मैं आपको एक नई उम्मीद दे रहा हूँ, तो क्या लगता है कि कांग्रेस भाजपा दोनों को दरकिनार कर पब्लिक जो है वो थर्ड फ्रंट से जुड़ पाएगी? मैं इतना दावा कर सकता हूँ जितने राजनीति का मेरे को छोटा सा अनुभव है, राजस्थान की जनता मनसा बना चुकी है कांग्रेस को सरकार के अंदर लाने का। कोई भी प्रयास, किसी भी तरह का प्रयास से राजस्थान की जनता विचलित नहीं होगी। जिस दिन काउंटिंग हो जाए उस दिन अपन सब मित्र लोग वापस इकट्ठा होंगे, और आज का दिन दो तिहाई से लेकर तीन चौथाई तक बहुमत राजस्थान की जनता कांग्रेस के लेकर आएगी। आज का दिन उस दिन वापस अपन याद करेंगे। और हम लोग सिर्फ दावों के लिए और जुमले के लिए बात नहीं करते हैं, ये दो तिहाई से ज़्यादा अगर आती है तो उस दिन हम लोग इस बात को करेंगे, और जुमले बोलकर हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर नहीं आती है तो खुद के आकलन गलत था, उस तौर के ऊपर हम लोग वापस बात करेंगे।